पिट्यूटरी ग्लैंड सेकेंड हमारे हमने कल शुरू कर लिया था उसका सच जो लोकेशन है हाँ ठीक है हाउसिएटेड विदोसियर एंडीरियर दिट्यूटरी ग्लैंड इज फर्दर इट इज क्लासिफाइड और इट कैन बी यू कैन से डिपेंडिंग अपॉन इट सिक्रीश इट इज फर्दर क्लाइड इन टू द टू ऑफ इट पार्ट दैट इज द एडीनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो Adenohypophysis, this is a single term, okay, and neurohypophysis. Adenohypophysis and neurohypophysis, okay. Basically, uh, this makes one of the lobes, I guess. This is the anterior lobe which is making, and that's the posterior. You please check it. ओके क्रॉस चेक कर लेना ये सिर्फ इसका इंटीरियर लोब जो है वो एडीनो हाइपोफाइसिस बनाता है और जो पोस्टीरियर वाला है वो सारा न्यूरो बनाता है ठीक है तो जो आप पूछे थे दैट इज द टू ऑफ है मेरे ख्याल से उसके साथ इनकी टर्म्स के पर देख लेना एक बार दो पार्टस है उसके पिट्यूटरी के जैसे हमने किया इंटीरियर और पोस्टीरियर तो उसकी सिक्रीशन बेसिस पे भी दो पार्ट है ठीक है वो तो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हमें देखे ना इंटीरियर एंड पोस्टीरियर

पार्स, नर्वोसा। so parts say, अगर तो वो तीन है पार्ट इसमें जिनसे हमें प्रोवाइड हो रही है यहाँ पिट्यूटरी की अगर हम ब्रॉडर स्पीकिंग करें तो फिर दैट इज ओनली है टू ऑफ इट्स ब्रॉडर पार्ट दैट इज दिनो हाइपोफाइसिस एंड द न्यूरोपोफाइसिस ठीक है आप लोगों को कई बार क्या है लोकेशन बेसिस पे सिकेशन आ जाती ठीक है सिंपल में क्वेश्चन आएगा डिस्कस द वेरियस सिक्रेशन ऑफ द पार्स एंट मीडिया एंड इट्स फंक्शन ठीक है अगर आपको पर्टिकुलरली पार्स एंड मीडिया की सिक्रेशन कौन सी है ये नहीं पता होगा तो नंबर घट है ना सो यू हैव टू लर्न इट अकॉर्डिंग टू द वेरियस ऑफ द पार्ट ठीक है दीज आर नॉट पार्ट दीज आर पार्स पी ए आर एस डन पार्स डिस्टेलिस एज द नेम इज से

ओके okay. फंक्शंस भी करने हमने आपने हर ग्लैंड के लिए बेटा उसका लोकेशन उसका फंक्शन और सिक्रीशन ठीक है ये तीन चीजें आपने करनी समझ आया हर एक जो ग्लैंड आप पढ़ोगे ग्लैंड का लोकेशन ग्लैंड की सारी सिक्रीशन प्लस उनके सारे फंक्शन ये तीन चीजें आपने हर ग्लैंड को एम्फोसाइज करके पढ़ने क्योंकि आपको मेजरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं ठीक है वेयर इज दिस ग्लैंड लोकेटेड वट इज इक्रीशन एंड वॉट आर द फंक्शन ऑफ इट ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चन जो है डिपेंडिंग ऑन मार्क्स रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाए ठीक है सो कमिंग टू द फर्स्ट इज दलशन नंबर वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन इज अ ग्रोथ हॉर्मोन ये कल भी हमने बात करी थी हांजी बोला था मैंने कल क्या होता है ये जी That is the growth hormone. The growth hormone that helps in providing you the length. That is the growth of your body, that is your height, that is all provided by the growth hormone. Under extreme conditions, if the growth hormone is secreted more or less, if this is secreted in excess, this results into a problem called as giantism. Okay? And if it is secreted in deficiency dwarf deficiency. So this is dwarfism. Dwarfs will be produced if it is secreted in deficiency. And what results in the secretions being deficient or excess in amount that we have talked already yesterday. Clear? Okay. So what conditions are leading to the excess of this or the deficient amounts of this?

हॉर्मोन कौन सा है मतलब नाम ग्रोथ हार्मोन उस हार्मोन का जो हाइट प्रोवाइड करता है उसका नाम ही ग्रोथ हार्मोन ठीक है नेक्स्ट इज द थायराइड स्टिम्युलेटिंग थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन टी एस एच थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एज द नेम इज सेइंग दिस इज गोइंग टू स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड है ना The thyroid Thyroid gland will be stimulated for its further secretions. secrete secrete Thyroxine role तो आपने hogi सुनी होगी छोटे होते hai में है ना वो क्या होती है iodine इन योर बॉडी है ना ऐसा होता है तो आयोडाइज सॉल्ट जब हमारे में कम आता है तो जो नेक है वो स्वेलअप हो जाती है जिसको बोलते हैं goiter। है ना तो वहां क्यों होता है ऐसा दैट इज बिकॉज ऑफ अगर आयोडीन कम जा रही है आपकी बॉडी आपको सिग्नलाइज कर रही है कि आयोडीन का इंटेक कम है वो इनटेक आपकी ब्रेन को इफेक्ट करेगा वो ब्रेन में से पिट्यूटरी ग्लैंड इस चीज को पिट्यूटरीट नहीं करेगा जब लोअर लेवल जा रहा है अगर ब्रेन के अंदर ही हमारे पास आयोडीन का लोअर लेवल का सिग्नल जा रहा है तो इसमें भी सिग्नल आया कि इसका लेवल लो कर दो टीएसएच का लेवल लो कर दो जब टीएसएच का लेवल लो हो गया तो थायरॉक्सिन रिलीज का लो हो जाएगा और जब वो रिलीज नहीं हुई तो गोइटर रिजल्ट करेंगे ऐसा है ना नहीं तो एक थायराइड प्रॉब्लम होती है सुनिए वो क्या होती है हाँ और ऐसा भी नहीं कि एक मतलब जो रिडक्शन अगर आने शुरू हुई है वेट में तो वो रिडक्शन ही आती जाए वो कभी रिड्यूस कर रहा है कभी गेन कर रहा है ऐसा है मतलब वो इमिडिएटली कई बार इतना ज्यादा थिन होने लग जाता है बंदा लगता है कि मतलब ये पतला हो रहा है कुछ खाना पीना जोड़ा तो ये कुछ भी किया तो वो पतले होने शुरू हो गया बट साथ ही जैसे खाना खाया तो फटे से मोटा भी हो गया ठीक है वो वापिस री गेन द्वारा फिर से कर जाएंगे तो वो क्या है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द थायरॉइड वैसे उनका जो मोटापा एंड एवरीथिंग है दैट इज नॉट गॉन इजिली ठीक है सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द थायरॉइड तो थायरॉइड कब होता है जब हमारी सिक्रेशन एक्सेस हो जाती है ठीक है कई लोगों को क्या होता है वो नमक चाटने की आदत होती है ना नमक लेके खाते रहते हैं ऐसे ही पास में पड़ा है तो आई मी हाथ में डाल देना और उसको खाने लग जाना इट इज ओके टू हैव दैट नमक मतलब ठीक है ओके है लो बीपी वालों को चाहिए होता है बट इट इज नॉट दैट इन एक्सेस हमारी बॉडी जो है वो एक बैलेंस इक्विलिब्रियम पे चलती है ठीक एवरी थिंग इन एक्सेस दैट मेक्स अ बैड इम्पैक्ट वो तो हमें पता ही है ठीक है सो एवरीथिंग इन एक्सेस दैट मेक्स अ बैड इम्पैक्ट सो दिस इज द टी एस एच विच इज गोइंग टू स्टिमुलेट द थारॉइड ग्लैंड फॉर द दिक्रीशन ऑफ इट्स हॉर्मोन फंक्शन क्लियर हो गया ठीक है फंक्शन राइट अगर आपको साथ साथ लिखने हैं सिर्फ मैं आपको नाम बता रही हूँ बता रही हूँ आप ले लिखने हैं तो लिख सकते हैं Next What हमने ये कल किया था जीएनआरएच गैडोट्रॉफिन रिलीजिंग हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय जीएनआरएच कल मैंने करवाया था जीएनआरएच सिक्रेटेड बाय

तो जब ये वो बढ़ाई गई हाइपोथैलेमस से तो पिट्यूटरी ने क्या किया गोनेडोट्रोपिन रिलीज किया गोनेडोट्रोपिनस कौन-कौन से हैं टू टाइप्स आर देयर दैट आर एफएसएच एंड एलएच टू टाइप्स ऑफ द गोनेडोट्रोपिनस आर देयर एफएसएच एंड एलएच एफएचएच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन इसमें कई बार आप देखोगे फॉलिक्युलर की जगह फॉलिकल भी लिखा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहीं किसी बुक में लिखा होगा तो सही है ना वट आर द रोल्स ऑफ दिस फर्स्ट इज एफ एस एच एज दिंग फॉलिकल्स फॉलिकल्स कहाँ आती है ओवरीज के अंदर ठीक है ओवरी वाला जो आपको आगे भी आएगा ओवरी का स्ट्रक्चर उसमें भी ये फिर से आपका कंसर्न आएगा और मैं समझा भी रही हूँ इसको समझ लो वहां आप मेरे को समझाओ ठीक है जस्ट अ लेआउट मैं बता रही हूँ आपको लाइक दिस लेट से दिस इज द ओवरी क्रॉस सेक्शन ठीक है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओवरी एंड देयर इज अ जर्मिनल एपिथिलियम दैट इज एट द लाइनिंग ठीक है ये इस तरह से लाइनिंग जो है इसकी सारी टिश्यू की किसकी बनी हुई है जर्मिनल एपिथीलियम

और ये बाद में क्या होगा एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें ये थोड़ा सा कर जाते हैं, ठीक है जो बाद में ओवम बनाएगा तो एक सेल ओवा बनाएगा वो अलग हो जाता है लेकिन बाकी के सारे सेल्स जो है फॉलिकल्स वो ऐसे ही बढ़ते रहते हैं ठीक है ये फॉलिकल्स जो हैं इसके अराउंड में से बना दिया पूरा स्ट्रक्चर में का स्टेजेस ही मैं बना रही हूँ क्योंकि स्टेज वाइज जब आप पढ़ोगे तो ट्वेल्थ में पढ़ोगे आप वापस फिर से ठीक है तो ये इस तरह से फॉलिकल्स नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने सारे फॉलिकल्स बन गए और एक बीच में से ये सेल था जो कि मेच्योर हो गया था एंड इट हैज फॉर्मड द एग सेल है ना ठीक है तो ये एग सेल है जब ये ऑब्यूलेशन होता है तो ये एग सेल रिलीज आउट होता है ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है बीच में ये कैविटी होती है ऐसे सारे फॉलिकल्स रीअरेंज हैं ठीक है और ये ओवा है जब ये रिलीज होगा होगा तो ये ओवा रिलीज आउट होगा बाकी सारा मटेरियल पे रह जाएगा बाद में ये ठीक थी. है बाकी फॉलिकल्स वहीं पे रह जाते हैं फॉलिकल्स क्या है सेल्स ठीक है अब हमारी बॉडी के अंदर आपको ये भी पता है कि फीमेल्स इज अ 28 डे साइकिल ओके सो दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हियर इन दिस इज every time after the 28th day when there is like the menstrual cycle has to redo that is it has to uh, start up again theek hai so wahan pe kya hai fir se ye follicles banne shuru hongi initialize hongi hai na by the time 14th day after your menstrual cycle this is for sure 14th day after the menstrual cycle 14th day the ovum is released into the fallopian tube that is ovulation takes place theek hai so ye day wise itna mechanism ko control karna मैकेनिज्म को पूरा हैंडल करना कंट्रोल करना ये हमारी ऑन एंड ऑफ पोजिशन कौन दे रहा है ब्रेन दे रहा है समझ आया ठीक है अब यहाँ पे ही हमारे पास पहला जो ऑन कंडीशन आता है दैट इज गिवन बाय द एफ एस एच द ओवरीज दे गेट द सिग्नल फ्रॉम द पिट्यूटरी पूरी पिट्यूटरी से हमारे पास ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ एफ एस एच ओवरीज को रीच करेगा वन ओवरी एट अ टाइम इज गोइंग टू प्रोड्यूस एक्सेल नॉट बोथ द ओवरीज ठीक है And it is not having any particular experimental, you can say, uh, uh, suggestion or yeah. But it is a that one ovary, if it secret for the first month, next time the next ovary is going to secrete. the ovary. Okay, so that is alternatively they are working. Okay, so that is all maintained in such a high-tech manner, and that is all done within your body by the secretions from your master gland. Okay, so this is first follicular stimulating hormone. जब ये FSH आया सिग्नल मिला ओवरी को साथ ही ये फॉलिकल स्टिमुलेट होने शुरू हो गए बनने शुरू हो गए ना सारे फॉलिकल ठीक है बाद में वो स्टेजेस लेते रहेंगे लेकिन बनने शुरू हो गए जब बनने की शुरुआत हुई बी ताकि वो डेज हिले ना है ना अगर मैंने बोला है हेड आफ्टर दैट मतलब वो तो चलो कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में

अब इसको भी तो कोई सिग्नल देगा ना कि कब इसने आ, मतलब आ, अपने आपको बर्स्ट करना है और ओवा को रिलीज करना है है ना ग्राफियन फॉलिकल आउट मतलब उसको uh, फटना है बर्स्ट आउट होना है और उसके बाद ओवा जो है वो रिलीज आउट होना है।, है ना तो उसके लिए उसके लिए भी एक सिग्नल आएगा बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ दिस इज द एल एच दैट विच द

एल एच हेल्प करता है फॉलिकल्स के बनने के लिए एफ एस एच हेल्प करता है दैट इज इन फीमेल गेटिंग डन यो प्रेन इन द मेल्स द मेन हॉर्मोन इन मेल्स इज एल एच यहाँ पे मेन हॉर्मोन इन फीमेल्स एफ एस एच है और मेल्स में एल एच है ठीक है एल एच दैट इज गोइंग टू सिक्रीड द एंड्रोजेंस वॉट आर एंड्रोजेंस Androgens are the hormones like testosterone. Right? Testosterone is lower classes. That which is going to provide the secondary sexual features to the males. So, this is a luteinizing hormone, that which is going to secrete the androgens. But along with this, there is also the formation of the male gametes. Right? Spermatogenesis is the male gametes, the formation leading to the formation of the male gametes. तो मेल के मीट्स की फॉर्मेशन में इन दोनों ने इकट्ठे रोल प्ले करना है मेल के मीट्स की फॉर्मेशन होती है उसमें बहुत सारे सेल्स आके नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं कोई कुछ रोल कर रहा है कोई कुछ कर रहा है तो वो सारी चीजें अल्टीमेटली दे आर प्लेड बाय द बोथ ओनली द सिक्रिएशन ऑफ एंड्रोजेंस इज हेल्प बाय एल एच एंड सिक्रिएशन ऑफ द मेल गीट्स दैट इज हेल्प्ड बाय बोथ इन द मेल्स ठीक है अब आपसे अगर कोई पूछेगी एफ एस क्योंकि इसका नाम ही है फॉलिकल स्टेमिलिटिंग मॉर्मो क्या ये सिर्फ फीमेल्स में मिलता है कि मेल्स में भी होता है यस ऑफ कोर्स मेल्स में भी है और मेल्स में भी उसका रोल है है लेकिन सेकेंडरी ठीक है मतलब सेकेंड टाइप ऑफ रोल मेजर इज एल एच इन मेल्स मेजर इज एफ एस एच इन फीमेल्स ठीक है कई बार पूछते हैं कि क्या फीमेल्स uh, के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है एल एच एंड्रोजेंस सिक्रेट हो रही है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा ऑब्वियस है

Otherwise, in the females also, it is given, but in very less amounts. It is released, but in very very less amounts. Okay? Done. Okay. So this is the gonadotropin, uh, GH, TSH, FSH, uh, FSH, LH. same same So these are the hormones given by the given by the pars distalis. A core ACTH. इसी का ही है। हार्मोन नहीं एड्रीनो कॉटिकोट्रोफिक सॉरी एड्रीनो कॉटिकोट्रॉफिक हॉर्मोन एचपीएल है यहाँ पे दिस इज एड्रीनोकॉटिकोट्रोफिक हॉर्मोन ए सी टी एच ए सी टी एच दिस इज गोइंग टू स्टिमुलेट द एड्रीनो मीन एड्रीनल ग्लैंड टू सिक्रीट द सिक्रीशंस फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड ठीक है ग्लूकोकोटिकॉइड्स की फॉर्म में सो ये हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लैंड सॉरी एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीशन So, आपसे जरूर पूछी में हाफ एन नंबर में या वन मार्क में जरूर पूछी जाती है एक और लिखो इसमें फिफ्थ दैट इज एच पी एल द्यूमन प्रोलेक्टेन प्रोलेक्टन दैट इज अशन प्रोलेक्टन human prolactin, HPL. This is going to secrete the uh, milk secretions. They are going to initiate the milk secretions from the mammary glands, right? When the stage of the milk secretion happens, that is after pregnancy, then at that time, the HPL is also given out. Actually, this is initial, the uh, signal that is given by the fetal ejection. fetal ejection means,

लेकिन सिक्रिटिव तब बनते हैं व्हेन देयर इज अजेक्शन ओके गेटिंग डन सो नेक्स्ट इज ये तो हो गया ऑफ दिट्यूटरी पार्स इंटरमीडिया हैज वन सिक्रिशन एंड दस एच इट इज मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग और मोन मिलानोसाइट्स वर मिलानोसाइट हांजी हाँ मिलानोसाइट्स आर द मेलेनिन कंटेनिंग साइट साइट मीन्स सेल्स ठीक है तो ये साइट का टर्म सी वाई टीई वाला टर्म हमेशा मतलब इसका याद रखना दिस मीन्स सेल ठीक है सो द सेल्स दैट आर विच आर सिक्रेटिंग द मेलेनिन ठीक है सो मिलेनिन कंटेनिंग और सिक्रीटिंग सेल्स आर द मिले ठीक है मेलेनिन क्या है वट इज मेलेनिन दैट इज योर बॉडी पिगमेंटेशन इज बिकॉज ऑफ मेलेनिन बॉडी पिगमेंटेशन जो आपका बॉडी का पिगमेंटेशन है यानी आपका जो स्किन का कलरेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मेलेनिन

तो उन दिनों में भी क्या होता है कि आप लोग तो अगर हाफ स्टीव पहन के जाते हो यूजली आपकी हाफ सीव रहती है और आप ऐसे ही जाते आते हो बाहर अंदर तो आप देखते हो कि डबल कलरेशन आनी शुरू हो जाती melanin, pigments, cells है इट इज सो बिकॉज द मोर इट इज एक्सपोज सेल्स ऑफ द स्किन दे आर मोर टू द सन मोर दे आर एक्यूमुलेटेड वो मेलेनियन पिगमेंट जो सेल्स होते हैं ना वो वहां पर ज्यादा एक्यूमलेट होने शुरू हो जाते हैं और जहां पे जिस जगह पे वो ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे वहां पे डार्क कलरेशन आती है ठीक है क्लियर हुआ क्योंकि वो टेम्परेरी चेंज है मतलब सनी डेज खत्म हुए बाद में आपने फिर से फुल फुल्स पहनना शुरू कर दिया एंड का कलर वो ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में वापस फिर बैक टू तो देयर ओन पोजिशन ठीक है फिर से वापस वो बिखर जाते हैं ठीक है सो दैट इज दिन वो अलग केस है लेकिन अदरवाइज नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर पार्ट इज अ पार्ट ऑफ ये दिस इज गोइंग टू सिक्रीट द melanocyte stimulating hormone now the last is pars nervosa pars nervosa that is the last part of this pituitary the part of neurohypophysis this helps to secrete the two of the hormones one is oxytocin and another is vasopressin

उसका डेवलपमेंटल साइकिल कंप्लीट हो चुका है देन इट स्टार्टेल्पिंग दिस सिक्रिश फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी दैट इज द मदर्स बॉडी एंड ऑक्सीटॉसिन मोर एंड मोर ऑक्सीडेशन इज एडेडर विल बी द कंट्रेक्शन वो जो कंट्रेक्शन की आनी शुरू हो जाती है वो और ज्यादा बननी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडोसिन ठीक है यू कैन से सिंपल लैंग्वेज द लेवर पेन्स दे आर क्रिएटेड बाई दिस ऑक्सीटॉसिन ठीक है देन इज द वेसोप्रेसन वेसोप्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो दैट इज द रोल ऑफ एडीएच पढ़ चुके हैं ना हम एंटीडायटिक हॉर्मोन एक्सटम में पढ़ाया था मैंने है ना दैट विच इज हेल्पिंग इन दॉटर बैलेंस सो दिसन ओके तो वेसोप्रेशन हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ और द बैलेंसिंग ऑफ द वॉटर इन योर बॉडी राइट सो इसका रोल आप अच्छे से पढ़ चुके हो ऑक्सीटिन का क्लियर हो गया That is given by the pars nervosa. Done? Okay. Any confusion? Next, we will be doing the other glands, and they are very small little glands. It will hardly take two more periods to complete this. Okay.